say MMTTC, Mr. Sayed, and the other team member of MMTTC, and all the learned participants. My name is Professor Saroj Yadav. I worked in NCERT as Dean Academic and also Head of the Department in the Department of Education, Social Sciences and Humanities also. So today we are going to discuss about health and environment well-being. Yani swasth aur paryavaran. In sab mein aapas mein kya talmel hai? किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है और कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं और हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आप हेल्थ से क्या मतलब समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हम कहते हैं ना कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं हम ठीक हैं। सो इस ठीक का अर्थ क्या है? मैम, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेरी गुड, मीनू जी ने बहुत अच्छा बताया कि इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, है ना? सो हेल्थ रेफर टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल, इसमें इमोशनल भी जोड़ते हैं। या सरोज आप बताइए। यस, समबडी हैज आल्सो रेज हैंड, बोलिए। हां, health is a sound state of mind, body and soul. Very good. और जो सुना जी, महमूद जी म्यूट करने अपने आप को। महमूद साहब आपने लाइए, महमूद जी म्यूट कर लीजिए। जी, तो आपसे पहले भी मुलाकात हुई है, निखिल आनंद जी को देख करके लग रहा है पहले भी हम मिले हैं अभी मैडम को। जी मैम, नमस्ते। तो बेसिकली क्या है कि हम हेल्थ की जब बात करते हैं तो स्वास्थ्य शब्द सर सूप सर्ग से बना है, सुधन अस्थ, अपने आप में पूरी तरह से स्थिर हो जाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने आप में स्थिर होकर के स्टेबल हो जाना ही स्वास्थ्य का अर्थ है मैम, हेल्थ का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने दीपक कुमार जी। तो स्थिर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक जगह स्थिर हो जाएं, मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो स्थिर हो जाना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए। सो बेसिकली फिजिकल, सोशल, इमोशनल भी हम इसमें डालते हैं, मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर हेल्थ। तो सबसे पहले जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ में विशेषकर कीपिंग द चिल्ड्रन इंटू कंसिडरेशन, द स्टूडेंट्स इंटू कंसिडरेशन, we have to make them aware about the growth and development taking place during adolescence and post adolescence, yani youth jo hai uske bhi bahut sari bhrantiyan hain. aapne oh my god 2 to dekhi hai ki choti si bhranti jo hai wo kahan se kahan leke chali jati hai vidyarthiyon ko, aur usme bahut sare quacks hote hain jo unko aur zyada exploit karte hain. तो फिजिकल हेल्थ में हम बात करते हैं कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एज ए मेल और एज ए फीमेल, कौन कौन सी हम ग्रोथ होती है, हाइट में है, वेट में है ग्रोथ होती है, जेनिटल की ग्रोथ होती है, प्लस एक्मे है, यानी ये स्किन की वजह से जब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके बहुत सारे हैं कि जो अदर डेवलपमेंट्स हैं, आइडेंटिटी का डेवलपमेंट है, तो ये फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम उसकी बात, फिटनेस की बात भी होती है कि बच्चे एक्सरसाइज करें, योगा करें, सैर करें, तो फिजिकल फिटनेस की बात है, पोस्चर्स की इश्यूज हैं कि सिटिंग पोस्चर्स कैसे होने चाहिए। बहुत सारे हम इस समय जो बैठे हैं कभी कभी हम बहुत लेजरली बैठते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कंप्यूटर जब यूज करते हो तो हर 8-7 मिनट के बाद व्यक्ति को 5-7 कदम चलते रहना चाहिए, इससे क्या है कि हमारी पोस्चर्स में डिफेक्ट नहीं आता है। कंप्यूटर को कैसे रखते हैं, तो ये सारे फिजिकल हेल्थ में आते हैं। फिर इमोशनल हेल्थ में आते हैं। इमोशनल हेल्थ का मतलब है कि इमोशंस होंगी, यानी हर व्यक्ति में इमोशंस है, हम सब हैं, तो बच्चों में भी इमोशंस होंगी कि कभी हमें गुस्सा आएगा, कभी हमें खुशी हो जाएगी, कभी हम सैड हो जाएंगे,
कभी किसी से बात करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इमोशनल हेल्थ ही बात करते हैं। इमोशनल हेल्थ में विद्यार्थियों को ये बताने की जरूरत है कि हमें अपनी इमोशंस को पहचानना चाहिए, यानी ये हमें पता होना चाहिए कि इमोशंस होंगी, हम दुखी भी होंगे, हम खुश, हमें जो है कभी कभी एक्साइटमेंट भी होगी, कभी कभी लोनलीनेस भी होगी। इस सब को हमें पहचानने की जरूरत है और इस सब से धीरे धीरे बाहर आने की भी आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि पानी अगर बाढ़ बन जाए तो नुकसान करना शुरू कर देता है, इसी तरीके से अगर इमोशंस भी हमारी बहुत हैवी हो जाएं तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जाती है, यानी दिमागी तौर पर भी हम बीमार होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाते हैं और उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर देते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं जो है बिल्कुल हेल्पलेसनेस फील करते हैं। और फिर बच्चों में आपने देखा होगा कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है कि जब मैं कुछ काम का ही नहीं हूं। अभी आपने देखा था कि एक लड़की कोटा में ही कि उसने सुसाइड कर लिया और ये लिखा नोट कि भाई मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं आपकी जो डिजायर है, आपकी जो उम्मीद है उस पर खरी नहीं उतर रही हूं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं। तो ये चीजें क्या है कि भाई बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। और हमें बच्चों को ये बताना है कि हम अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को कम से कम 3 इडियट वाला इतना तो इंश्योर कर दें कि भाई चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा। क्योंकि सिर्फ लाइफ खत्म करने से, एक लाइफ को जो बहुत कीमती है उसको खत्म करना, इसका मतलब है कि तुम देश के साथ भी गलती कर रहे हो, एक नौजवान व्यक्ति जो जा रहा है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सोशल हेल्थ की बात करें कि अगर सोशल हेल्थ हमारा ठीक नहीं है तो भी हम ठीक से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो हमारे सोशल हेल्थ की वजह से हमारा SDG के जो गोल हैं कि भाई हमें 2030 तक एक SDG के गोल, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनकी बात जो करते हैं, हमारी पोजीशन पहले से 115वीं पोजीशन जो थी वो 117वीं पोजीशन हो गई है, आ गए हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा पोजीशन सोशल हेल्थ की वजह से कम हो गया, क्योंकि सोशल हेल्थ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आती है, सोशल हेल्थ में सेफ्टी ऑफ विमेन भी आता है। तो विमेन कितनी सेफ है, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स कितने सेफ हैं, ये सारी की सारी बातें जो है वो सोशल हेल्थ में आती है। सोशल हेल्थ में हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी एक तरह से सोशल हेल्थ में ही आता है। तो इन सब हेल्थ की इसलिए भी जरूरत है कि हमारे देश में आज भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बार कहते हैं कि 25 साल की उम्र से कम है और 65% व्यक्ति 35 साल से कम है। तो आपके पास यूथ पॉपुलेशन है और यूथ पॉपुलेशन का अर्थ है कि जो हमारी पॉपुलेशन है अगर उसको हम सही रूप में स्किलफुल बना दें तो वो पॉपुलेशन आपकी बहुत प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी और उससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम अचीव कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि आबादी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आजकल देखा गया कि आबादी एक तरह से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम हेल्थ और एनवायरनमेंट की बात दोनों स्तर पर करते हैं, कि माइक्रो लेवल पर भी करते हैं और मैक्रो लेवल पर भी करते हैं, पर्यावरण की बात मैक्रो और माइक्रो। जब माइक्रो लेवल पर बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं कि मैंने कहा कि भाई व्यक्ति का फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल का मतलब कि रिलीजन नहीं, बस स्पिरिचुअल का मतलब है कि हमारे में एम्पैथी हो, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट हो, हम बहुत सारा किसी भी तरीके के अब्यूजेस ना करें। तो वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि हम एक तरह से एक सही ह्यूमन बींग है, जैसे आप कहते हैं ना माइंड एंड सोल। तो हमारी सोल जो है वो भी एक एम्पैथी और रिस्पेक्ट की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ तवज्जो देती है। माइक्रो लेवल पर हम ये भी देखते हैं कि आप जब देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण हमारे जीवन को हर तरह से शेप करता है,
यानी हमारी हेल्थ जो कि एक व्यक्तिगत हेल्थ है, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा का सारा, बिल्कुल सही है मीनू जी, सारा का सारा हमारा पर्यावरण से ही तो निर्धारित होता है। आप देखो, आप कहाँ रहोगे, जहाँ कूड़े का ढेर हो वहां रहेंगे, क्यों निखिल जी? हम अपना घर वहां बनाएंगे जहाँ कूड़ा करकट पड़ा हो, मीनू जी? नो नहीं ना, नो मैम, नो मैम, कूड़े के ढेर को हटा के बनाएंगे मैम, नीट क्लीन एंड हाइजेनिक प्लेस, प्लीजेंट वेदर, हाइजेनिक प्लेस में। तो इसका मतलब है कि पर्यावरण आपको सबसे पहले तो ये भी पर्यावरण को ध्यान में रख करके आप घर खरीदते हैं, आप रहते हैं, आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी आप देखते हैं कि कौन सी जगह पर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। फिर आप ये भी देखते हैं कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन उपजाऊ है या, तो सारी चीजें ही तो हैं जो हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है और हमारी जिंदगी को, लाइफ को भी प्रभावित करती है। तो ये तो ब्रीफ में था माइक्रो लेवल। वो कहते हैं कि हेल्दी पीपल आर दोस हु लिव इन हेल्दी होम्स, यानी ऐसी जगह जहाँ हवा भी आती हो, अच्छी फ्रेश एयर आती हो। आप देखते हैं कि जो कॉलोनीज हैं वो हाई राइज बना रहे हैं, जिससे कि एक लैंड उनके पास पैच रहे जिसमें वो पेड़ पौधे लगा सके और एनवायरमेंट को थोड़ा सा साफ रख सके। तो हेल्दी होम में रहेंगे, हेल्दी एनवायरमेंट में रहेंगे, हेल्दी डाइट करेंगे, तभी तो हमारी इंडिविजुअल हेल्थ सही रहेगी। इसलिए ग्लोबल लेवल पर ये सोचा गया कि क्यों ना मैक्रो लेवल पर भी हम पर्यावरण की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैक्रो लेवल है कि कितने पेड़ हैं हमारे वातावरण में, कैसी नदियां हैं, जल कैसा है, वायु कैसी है, ये सारे भी तो प्रभावित करते हैं। और सबसे पहले 1992 में एक यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एट री डी जेनेरो में ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि ग्लोबल अटेंशन देनी थी, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया है, तो उस लिए उन्होंने कहा कि कुछ जो साउथ और नॉर्थ दोनों देश, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों बैठ करके बात करें कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग में हुआ, जो 2000 में हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का नाम भी अब बदल दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे हमारे एजुकेशन का नाम बदल गया है ना, क्या है एजुकेशन का नाम अब, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट पर फोकस कर रहे हैं, तो दे हैव नेम्ड इट नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और 2015 में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ ही गए हैं कि बाय 2030 वी हैव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपने बहुत अच्छा किसी ने कहा कि 17 हमारे गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, यानी इतने उन्होंने माइक्रो लेवल पर भी टारगेट्स किए गए हैं कि कौन से टारगेट्स हैं। और सबसे पहला गोल हमारा है जीरो पॉवर्टी, क्योंकि एनवायरमेंट कहते हैं ना, बहुत गरीब लोग जो है बहुत लकड़ियां जलाते हैं, तो जब पावर्टी आपकी अगर है, पुअर पीपल हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि वो तो खाना तो बनाएंगे, गैस उनके पास है नहीं, और इवन गैस भी अमेरिका ने तो एलपीजी को भी बंद कर दिया पर उन्होंने एलपीजी की जगह इलेक्ट्रिक गैस को देना शुरू कर दिया है कि जिससे वो एलपीजी का भी थोड़ा बहुत जो स्मोक निकलता है उससे बच्चों में वहां पर पाया गया कि अस्थमा बढ़ रहा है। हमारे देश में तो अभी एलपीजी ही नहीं हमारे पास पहुंची अभी सभी को, अभी तो हम बहुत से लोग इवन विलेजेस ना शहरों में भी जो लेबर कम्युनिटी है वो लकड़ी पर खाना बनाती है। तो नो पॉवर्टी, नो जीरो हंगर दूसरा गोल है, और कौन से गोल है, बहुत सारे गोल हैं कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, है ना, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि एजुकेशन हैप्पी क्वालिटी की होगी जी, हैप्पी इंडेक्स भी है ना, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, हैप्पी इंडेक्स तो ओवरऑल है, मतलब वो एक दूसरा इंडेक्स है, समुच्चय है गोलों का, उद्देश्य समुच्चय है, वो हैप्पी तो तभी रहेंगे जब सारी चीजें होंगी,
भाई हमें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एजुकेशन हमारे पास होगी, हंगर नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, है ना, डिसेंट वर्क होगा, पानी भी स्वच्छ रहेगा, कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, है ना, लाइफ जो समुद्रों में लाइफ है या लैंड पर जो लाइफ है। तो ये सारे के सारे 17 उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किए और 17 के आधार पर आ गया कि अगर इन गोल को हमें 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक वी हैव टू अचीव ऑल दीज गोल्स, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हम 2020 में 162 कंट्री का सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स तैयार किया गया, जिसमें हम 117वीं पोजीशन पर हैं। सबसे पहली पोजीशन पर डेनमार्क है, जिसका कि इंडेक्स स्कोर जो है 85%, 100% उसका भी नहीं है, उसका 85% है, और इंडिया का अभी काफी कम है, और सबसे कम अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर हम अचीव करेंगे, क्योंकि उसमें लाइफ ऑन लैंड का मतलब फॉरेस्टेशन होना चाहिए, लाइफ बिलो वाटर का मतलब है कि जो समुद्र में जीव जंतु है उनको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा केमिकल टॉक्सिक वेस्ट हम समुद्र में भी फेंक रहे हैं, हम नदियों में भी फेंक रहे हैं। अभी कल मैं न्यूज देख रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि दंतेवाड़ा में पीने के लिए पानी नहीं है, जो नेक्सलाइट एरिया है वहां पानी बहुत गंदा है, पीने के लिए पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं है, तो वो नदियों से और वो तालाबों से, छोटे छोटे तालाब है, वहीं से पानी लेते हैं और वहीं उसी पानी को पीते हैं। तो पानी की कितनी स्केर्सिटी है और स्वच्छ पानी भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो हमारी एनईपी 2020 है, जी बिल्कुल साक्षी जी, एनईपी 2020 है, उसने भी ये कहा है कि हमारे जितने भी करिकुलम है एट स्कूल लेवल और इवन एट द हायर एजुकेशन लेवल, इन सब में हमें बात करने की जरूरत है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। इसी तरीके से हायर एजुकेशन में एट अंडर ग्रेजुएट लेवल भी उन्होंने एक कोर्स कंपलसरी, जिसको कहा है उन्होंने कि वो कंपलसरी कोर्स है अंडर एबिलिटी, अंडर यू कैन से एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जिसमें कि एनवायरमेंटल स्टडी का एक कोर्स बना गया है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2000 बिल्कुल सही कह रही है 2003 में सभी को कहा था कि एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करो, उनके एटीट्यूड में चेंज लाओ, उनके बिहेवियर में चेंज लाओ। तो ये उन्होंने बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था, और यूजीसी ने 2017 में ये एक कोर्स बनाया है एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से, जिसमें 8 यूनिट है, ये 4 क्रेडिट कोर्स है, और जिसके तहत आप बच्चों को एनवायरमेंट से रिलेटेड कम से कम जागरूकता ले आए, क्योंकि अगर जागरूकता, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, मींस कि वी हैव टू मेक देम अवेयर, कि अवेयर भी हो, उनका एटीट्यूड में भी चेंज आए, उनके स्किल में भी चेंज आए, मतलब उनके बिहेवियर में भी चेंज आए, कि वो छोटी छोटी चीजों को एक तरह से बचा सके। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे 75वें इंडिपेंडेंस डे पर इन्होंने 75 आइटम्स लिखे हैं, जो आई विल डिस्कस एट द एंड, कि वो 75 आइटम्स जो है उनको किस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में ढाल सकता है, एनर्जी को सेव करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए, लैंड को सेव करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसीलिए करिकुलम फ्रेमवर्क की एक आउटलाइन बनाई है, जिसमें ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट उन्होंने डाला है, कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे फोकस किया है। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को हम मानते हैं कि हमारे तो फ्री नेचुरल रिसोर्सेज है, वी कैन एक्सप्लॉइट दोज नेचुरल रिसोर्सेज, बट यू हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी even in the utilization of these natural resources, environmental issues, local, regional and global level, क्योंकि issues अलग-अलग हैं,
लोकल लेवल पर कुछ है, रीजनल लेवल पर कुछ है, ग्लोबल लेवल पर कुछ है। जैसे कि मैंने कहा कि दांतेवाड़ा में तो पानी की प्रॉब्लम है, लैंड तो वहां पर है, पेड़ पौधे भी वहां पर बहुत है, लेकिन वाटर के जो क्लीन वाटर है उसकी सप्लाई नहीं है। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम उनका फोर्थ यूनिट है आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट अडैप्टेशन मिटिगेशन है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है कि किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को मैनेज करें, एनवायरमेंटल ट्रीटीज एंड लेजिस्लेशन है एंड केस स्टडीज एंड फील्ड वर्क है। तो ये एक एक कोर्स 4 credit course दिया हुआ है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्टूडेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिस्कशन से, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से जरूर लर्न करते हैं। तो जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट को हम किस रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं? मैडम जी, उस कोर्स को शायद हम लोग यहाँ माइनर सब्जेक्ट में रखा गया है जी, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट स्टडीज। हाँ, अभी इन्होंने माइनर में रख दिया जी जी, लेकिन मैडम ये दिक्कत है कि उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं रखा जा गया। ये ना इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, इसमें साइंस भी है, इसमें सोशल साइंस भी है। बहुत सारे कॉलेज में साइंस के बहुत टीचर नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाई होती है मैडम। हाँ बिल्कुल नहीं, वो देखिए कुमार जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अदमित जी कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसको कम ध्यान में रखा जाता है, और हम पॉलिसी तो बनाते हैं लेकिन पॉलिसी बनाने वालों का काम था पॉलिसी बनाना, अब इम्प्लीमेंटेशन लेवल तो स्टेट लेवल पर भी होना चाहिए, है ना, जो कॉलेजेस हम खोलते हैं उस कॉलेजेस में भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि हमारा मोटिव प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होता है, हम कम लोगों से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं कि आपके पास एनवायरमेंटल एजुकेशन का व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें कि सिंगल टीचर स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जहां सिर्फ एक ही टीचर काम कर रहा है, प्राइमरी लेवल पर भी एक ही टीचर काम कर रहा है, और ये गवर्नमेंट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंटेशन में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वीक हैं, लेकिन जितना हो सके जो भी टीचर, दूसरी बात तो मैं ये कहूंगी कि एनवायरमेंट ऐसी एक सब्जेक्ट है कि हर टीचर अपने विषय में उसको जोड़ के बता सकता है, बहुत साइंटिफिक ना बताएं। अब जैसे अगर 75 आप स्टेटमेंट वो पढ़ो तो अगर हम अपने जीवन में उन्हीं को लागू कर लें तो भी हम बहुत हद तक अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अब ये एक हमें अपने जीवन में डालना कि हम पेड़ों को कम से कम काटे नहीं, पेड़ लगाएं, और क्या करते हैं हम छोटे छोटे पेड़, कम से कम इतना एनवायरमेंट के प्रति हो गया कि हम घरों में गमला तो लगाने लग गए, गमलों में पेड़ लगाने लग गए, लेकिन वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा दूर तक प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसलिए बड़े पेड़ लगाने की भी जरूरत है। ऐसे पेड़ पहले तो हमारे ट्रेडिशनल अगर नॉलेज देखो तो त्रिवेणी कहते थे, किसको कहते हैं त्रिवेणी? गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किन पेड़ों को त्रिवेणी कहते हैं? पीपल, एक पीपल बरगद और वो उसका एक और बरगद पीपल नीम, आपकी तरफ होगा, हमारी तरफ नीम बरगद और पीपल। हाँ, ये तीन ऐसे पेड़ हैं। देखो एक तो इनके कभी पेड़ों के पत्ते सारे हमेशा शायद नहीं होते, मतलब गिरते नहीं है, कभी आपने देखा होगा कि पीपल का बहुत जल्दी पत्ते आ जाते हैं, और नीम तो मैंने कभी नहीं देखा है कि उसके हमेशा वो बिल्कुल सूख जाए, उसके पत्ते गिरते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन इस समय थोड़े ज्यादा आते हैं, और बरगद भी ऐसा ही है। तो तीनों वो कहते हैं कि दिन और रात वो ऑक्सीजन, खासतौर से रात को भी वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो लोगों ने गांव में अगर कहीं देखा होगा, आपने देखा होंगे तीनों पौधे एक साथ लगे होते हैं, क्योंकि वो तीनों मिलकर के वायु को शुद्ध भी करते हैं और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें मिलती है। तो ये एक मैम जी, मेरा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सी क्वेश्चन है, मतलब गांव में पीपल नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा उसके लिए मतलब कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी उसे पाई जाती है मैडम।
गांव में सबसे ज्यादा पीपल लगाया जाता है, भूत भूत आते हैं, भूत लगाया जाता है मैम। वो ये होता है कि अपने कैंपस के अंदर नहीं लगाते, घरों में नहीं, वो इसलिए नहीं लगाते, लगाते हैं बाहर लगाते। ये तीनों पेड़ जो है ना घरों में इसलिए नहीं लगाते कि इनकी जड़ें बहुत गहरी दूर तक जाती है। तो अगर नजदीक जब पीपल होता है तो आपकी नींव में भी उनकी जड़ जा सकती है, है ना। वैसे तो पीपल आप देखते हैं घरों में भी उगे हुए होते हैं बहुत जगह, क्योंकि पक्षी जो है उसका इधर से उधर करते हैं। तो बेसिकली जब वो लगाते हैं तो थोड़ा दूर, घरों से थोड़ा दूर इसीलिए लगाते हैं कि जिससे उनकी जड़ें आपके नीम, घर की नीम को खराब ना करें, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत दूर तक जाती है। जहां तक अब वो आप घोस्ट की बात कर रहे हो तो पता नहीं आपने कभी देखा हो घोस्ट, मैंने तो कभी देखा नहीं है, तो इसलिए वो इमेजिनरी चीजें होती है। अंधविश्वास को बढ़ा रही है, भूत की फिल्में बना करके उस अंधविश्वास को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो वो एक साइंटिफिकली कई बार क्या है कि अगर आप अकेले रात को चल रहे होते तो आपकी अपनी चप्पलों की आवाज भी ऐसे लगती है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो, है ना। तो साइकोलॉजिकल है, आप चार आदमी चल रहे हो तो आपको डर नहीं लगता, आपको कोई भूत भूत से डर नहीं लगता, आप अकेले होते तभी आपको भूत से डर लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है, लेकिन बेसिकली वो इसलिए था कि पीपल घर में इसलिए नहीं लगाते हैं कि भाई उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और वो नींव को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो थोड़ा दूर लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं नीम और पीपल के पेड़, आपने देखा होगा। और बरगद तो अपनी जड़ों से फिर दोबारा से जमीन को पकड़ लेते हैं, तो उनकी उम्र भी बहुत अधिक होती है, इसलिए ये चीजें उस जमाने में लगाई जाती थी। अब तो गांव में भी नहीं है, क्योंकि गांव भी शहर के जो जो शहर के नजदीक आते जा रहे हैं वो गांव रहे ही नहीं है। तो एनवायरमेंट को अगर हम बांटना चाहें स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने भागों में बांट सकते हो पर्यावरण को मैडम? किस बेसिस पे, जैसे कि हम लोग जूलॉजिकली बात करते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर मरीन हो गया, उसके बाद जैसे कि माउंटेन का इकोसिस्टम है, इस तरह से इकोसिस्टम पे हम लोग बात करते हैं, फिर पॉल्यूशन पे बात करते हैं। और पॉल्यूशन का जो हम लोग सॉल्यूशन देते हैं कि डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ये क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन, डाइल्यूशन इज सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन, ये हम लोगों का जो है नारा है आपका, हाँ स्लोगन है, स्लोगन डाइल्यूशन इज सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है कि जो भी कंसेंट्रेट हो रहा है उसको डाइल्यूट करो, है ना, डाइल्यूट। इस तरह से हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम पे। और इकोलॉजी का मैम ऐसे यूजीसी नेट में उतना ज्यादा ये नहीं है, जूलॉजी के टीचर अपॉइंट होते हैं, बॉटनी के होते हैं, पर इकोलॉजी अलग से एक ब्रांच है, लेकिन उसके टीचर आ नहीं रहे, सब्जेक्ट पे बहुत लोड है, स्टूडेंट बहुत है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर्स नहीं है। हम लोग पढ़ा लेते हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ा सकते। साइन मैम देखिए ये तो बात, लेकिन मैम एनवायरमेंटल साइंस को जूलॉजी और बॉटनी दोनों में लिया जा रहा है यूपी में, शायद आपके स्टेट में नहीं लिया जा रहा होगा। 2011 से मैम एनवायरमेंटल साइंस को जूलॉजी एंड बॉटनी में लिया जा रहा है, जबकि वो यूजीसी नेट होते हैं, फिर भी मतलब सीएसआईआर नेट को छोड़ के हमारे यूपी में तो लिया जा रहा है। तो ये तो खैर देखिए ये पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी डायरेक्टिव हमारे यहाँ मतलब जेएनयू में तो एनवायरमेंटल साइंस का पूरा एक कोर्स है ही, आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी कोर्स है। तो हर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा थोड़ा डाइवोल्यूशन कर दिया है, अब इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है क्रेडिट अंडर क्रेडिट कोर्सेज, और इन्होंने मेजर माइनर और स्किल एबिलिटी और इसमें इन्होंने बांट दिए हैं कुछ कोर्सेज, तो उसमें से हो सकता है कि अब थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दे दिए हैं कि इसके अलावा ये भी ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के कभी कभी ना दिक्कतें बहुत होती है। जैसे पब्लिक एड को पॉलिटिकल साइंस में नहीं लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल साइंस में कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो कहीं जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पॉलिटिकल साइंस में कंसिडर भी कर लेते हैं। तो वो है कि एक तो नॉर्म्स हमारे क्या है, कुछ स्टेट्स अपने नॉर्म्स भी बदलती रहती है उसके हिसाब से, तो ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन का।
आपने बहुत अच्छा, सोशियोलॉजी में भी नहीं लेते मैम, कुछ सोशियोलॉजी में भी नहीं लेते हैं, जैसे सोशल वर्क को सोशियोलॉजी में नहीं लेते हैं, बहुत जगह नहीं लेते हैं, कहीं पर उनको कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, इनको तो खैर सॉर्ट आउट करने के लिए डिफरेंट कमेटीज ये बनाते हैं, फिर सॉर्ट आउट भी करते हैं। लेकिन अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सब स्टूडेंट से डील करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ तो मैं इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करती हूँ। एक कैटेगरी है बायोलॉजिकल फिजिकल, जिसमें आपका हवा पानी सॉयल हाउसिंग नॉइज ये सारी की सारी आ जाती है। दूसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें आपका ह्यूमन बीइंग वायरसेस एनिमल्स प्लांट्स ये सब आ जाते हैं, फॉरेस्ट ये सब आ जाते हैं। और तीसरा है साइको सोशल, जिसमें हमारी वो जो है ना हमारी मान्यताएं हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, हमारा रिलीजन है, हमारा एजुकेशन है, एक तरह से लाइफस्टाइल है ना, हेल्थ सर्विसेज है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे के सारे आपके साइको सोशल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो इन तीनों को एक थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करते हैं और आप देखते हैं कि देयर इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि एनवायरनमेंट अगर शुद्ध होगा तो हेल्थ हमारी बेटर होगी, एनवायरनमेंट अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हम सही तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर ह्यूमन एक्टिविटीज गलत हो गई तो एनवायरनमेंट गलत हो जाएगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे और हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। तो तीनों के तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले हम एयर लेते हैं कि जनरली एयर शुद्ध कौन सी मानी जाती है, कौन सी एयर को आप सही मानते हैं? मैम जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सांस लेने के लिए हमें सही हो। साइन मैड हंस रही है, जो मैं प्रदूषण रही हम लोगों का साइंटिफिक पैरामीटर जो है ना वो अलग है। हाँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन क्या हुआ। नहीं तो आपका साइंटिफिक पैरामीटर बता दो, बाकियों को पता लग जाएगा। साइंटिफिक जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं कि एयर में पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट जो है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, मतलब पेट्रोलियम जो जलता है और उसका बाय प्रोडक्ट उससे जो हो रहा है, केरोसिन है और भी जैसे कि पेट्रोलियम में वो कारण हो गए साइन मैम। हाँ हाँ, तो उससे जो इमिशन होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके बाद और भी पॉल्यूटेंट है जैसे कि ये मिल गया सल्फेट मिल गया, इस तरह का पॉल्यूटेंट बहुत सारा पॉल्यूटेंट मिल गया, तो उसका परमिसेबल लेवल जो होता है हर एक एयर पॉल्यूटेंट का, उससे अगर वो ज्यादा हो गया तब हम लोग एयर को कंसिडर करेंगे कि ये पॉल्यूटेड है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी हवा में जो पॉल्यूटेंट है PM 2.5 PM 10 की मात्रा कितनी है, यानी PM 2.5 का मतलब है कि पार्टिकुलेट मैटर्स, वो जो बहुत बारीक होते हैं 2.5, वो कहते हैं कि हम एक तरह से अगर उसको मेजर करें तो 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोग्राम इन साइज, यानी उसका साइज जो है वो इतना छोटा होता है कि वो 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग है। आप देखते हैं ना, शाम को अगर आपने टेबल साफ करके रखी हो और सुबह आप उस पे नाम लिख सकते हैं जबकि आपकी सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। तो PM 2.5 की मात्रा कितनी है और उसको मेजर करते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स से, और उस 2.5 और 2.10 की मात्रा को मापने के लिए 24 आवर्स या 8 आवर्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में 8 घंटे में कितना है, कितना कंसेंट्रेशन है, इसी तरीके से PM 2.5 24 घंटे में हमारी वायु में कितना है। तो ये 4-5 चीजें जैसे मैडम ने बताया कि 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा हमारी एयर में कितनी है वो डिटरमिन करती है कि हमारा एयर की क्वालिटी कैसी है, और उसके मापने को कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितना है। अब अगर हमारी हवा में इन सारी चीजों की मात्रा
एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से 50 है, 50 से नीचे है, तो हम कहेंगे हमारी वायु जो है, हवा जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, वो अच्छी है। हालांकि मैं हैरान थी कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो वहां पर इतनी गाड़ियां हैं कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमेरिका में जैसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, बहुत सारे, वहां इस तरह के थ्री व्हीलर्स नहीं है, वहां ट्रेन्स की सर्विसेज भी बहुत ज्यादा इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, बसेस भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो कारों का यूज करते हैं। फिर भी वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 था, मतलब सिर्फ 10 था। और हम जिस शहर में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, मेरे ख्याल में हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 हो। सो 50 है तो बहुत अच्छा है, 50 से 100 है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा जो सीरियस लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, और 100 से 150 तक है तो डेफिनेटली सेंसिटिव है, और 200 तक तो अनहेल्दी है, और 200 से 300 तक तो वो कहते हैं कि हेल्थ अलर्ट है। और इंडिया के बहुत सारे लोग, हम हेल्थ अलर्ट में ही जीते हैं। मैं रहती हूँ दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में, गुड़गांव में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 250, 300 इसके बीच में रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा, हम कितने इम्यून हो गए हैं इस ऐसी हवा में रहने के लिए। एक और छोटी सी चीज है, देखिए मतलब हमारी ट्रेडिशन, क्योंकि अब हमारी पॉलिसी ये भी बात कर रहे हैं ना कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है हम डे टू डे लाइफ में, कि जब हम बाल बनाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो क्या कहते थे कि बाल कहाँ बनाओ, कहीं भी नहीं ना, वो कहते थे एक तरफ करके, एक तरफ बाहर में बाहर करो और उसको इकट्ठा करके उसको फेंको। तो इवन हेयर, क्योंकि हेयर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए वो कहते हैं कि जगह गले में अगर बाल चला गया तो आपका गला दर्द करना शुरू कर देता है ना, तो गले में, इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए जो भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, मरकरी, पर्टिकुलेट मैटर जो है, वोलेटाइल भी है। अब मैडम ने कहा कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेस क्या है, क्या कारण है। पहला है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को जो बर्न करते हैं, जो हमारे इवन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी आप बहुत सारे कोल का यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा डेंजरस ऑटोमोबाइल्स हैं। पॉल्यूशन हमने चेक करवा लिया, लेकिन आप सर्टिफिकेट जब लेते हैं पॉल्यूशन का तो किस तरीके से सर्टिफिकेट देते हैं आप सब जानते हैं, कि वो पूरे साल का सर्टिफिकेट दे देते हैं पोल्यूशन का। मैम कोरोना में पोल्यूशन ठीक हो गया था, क्योंकि ना तो गाड़ियां चल रही थी ना व्यक्ति जा रहा था, है ना, किसी तरीके का भी कोई। मैडम आपका वीडियो ऑफ है, ये डिलीबरेटरी है या? सॉरी सॉरी, तो ना उसमें ना भाई कहीं जा रहे थे ना कोई आ रहा था, तो व्हीकल टोटली बैन थी, क्योंकि एक स्टडी की गई थी सिएटल में, स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स है, 2021 में ही हमारे देश में 22.7 मिलियन गाड़ियां और इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इन्होंने 10 साल 15 साल से गाड़ियों को कर दिया है कि बैन कर दिया, नहीं चला सकते, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, वो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, और इतना गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा कि उसको रिसाइकिल करना भी मुश्किल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, स्टिल वेस्ट भी तो बढ़ रहा है, वेस्ट ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वेस्ट बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अभी भी नहीं मानते हैं, पराली जलाते हैं। सर्दियों में आप लोगों के जिस शहर में रहते हैं आप देखते होंगे स्मोग जो है ना, तो वो उसमें फोग भी है और प्लस स्मोक भी है, तो कितना ज्यादा होता है कि दिखाई नहीं देता है। माइनिंग एक्टिविटीज है, इवन डोमेस्टिक सोर्स जो हम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। एसी, रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल सही कहा आपने, एसी है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सारे एयर प्योरिफिकेशन,
अब आपकी घर की हवा तो साफ कर दी, बाहर की हवा में तो गंदगी फेंक दी ना, सो ओवरऑल तो आप एक तरह से पॉल्यूशन को इलीड कर रहे हैं। आपका जितने भी होम इन्वर्टर्स हैं वो भी तो पॉल्यूट कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो जितना अमीर है उन्होंने लंबे लंबे बड़े बड़े जनरेटर रखने रहे, उसके पास से आप निकल नहीं सकते, इतना धुआं निकलता है। तो बेसिकली क्या है कि एक तरफ हम अपने कंफर्ट को देख रहे हैं लेकिन ओवरऑल हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और इस एनवायरमेंट से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। गणेश जी ऑडियो ऑफ कीजिए। गणेश जी तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, अस्थमा है, लंग कैंसर्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, लो बर्थ वेट पहले बार पाया गया है कि हमारे यहाँ लो, वेरी डस्टी एंड पोल्यूटेड एयर। राइट परवीन जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो नजदीक रहता है फैक्ट्री उतना ही उनके लिए बहुत कष्टदायक है, एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा। जी कोयला नगरी में रहोगे तो कोयला आनंद जी तो पोल्यूशन तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका कोई चारा नहीं है ना, कितना भी वो एयर को डाइल्यूट भी करें तब भी वो एयर डाइल्यूट हो नहीं पा रही है। इसी तरीके से कोशिश यही की जाती है ना कि भाई जो फैक्ट्रीज हैं वो थोड़ा दूर, आबादी से थोड़ी दूर रखी जाए, तो कम से कम कुछ और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाए तो वो भी। दिल्ली एनसीआर भी कम नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां इतनी ज्यादा है, पराली इतनी ज्यादा है, इसलिए तो मैं कह रही ना कि मैं दिल्ली के नजदीक रहती हूँ और पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है कि कई बार तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, और सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देख लो तो फिर तो आप बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते। और सर्दियों में तो वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह मत जाइए, सुबह सुबह कोशिश करिए कि आप उसमें ना जाए। दूसरा ये कि सडन इन्फेंट डेथ्स भी कह रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, कि बच्चे को आपने बहुत अच्छी तरह से खाना खिलाया, नहलाया, सुलाया, लेकिन एकदम पता लगा कि बच्चे की सडन डेथ हो जाती है, तो ये पॉल्यूशन की वजह से ही उसको चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और पॉल्यूशन से 7 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर हो रहे हैं ग्लोबली भी, और PM2.5 ने तो हमें अच्छी तरह से सिखाई दिया है कि अच्छी हवा की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया कि 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से कितनी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में होंगी? 30 पॉल्यूटेड सिटीज में से कितनी इंडिया में हो सकती हैं? 13, 22। 30 में से 22 पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में है, और सबसे मेजर काज ऑफ दोज पॉल्यूशन है वही जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप देखते हैं कि हम अभी भी हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल बिल्कुल क्लीन यूज नहीं करते, और बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत कुछ मिक्स भी कर देते हैं, तो बायोगैस बर्निंग है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वेस्ट बर्निंग है, बिल्कुल, एंड एग्रीकल्चर बर्निंग है। ये उन्होंने रीजंस दिए कि जिसकी वजह से हमारे ज्यादातर शहर जो है वो पॉल्यूटेड है, और PM2.5 का जो सबसे ज्यादा सोर्स बता रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये कुछ रीजंस है। पराली जलाने से भी हो रहा है क्या? पराली जलाने से होता है ना डॉक्टर सौरभ, उससे कितना धुआं करता है आपके, कितना जो जीव जंतु अंदर जो होते हैं, कई तो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने वाले भी होते हैं, उनको भी वो भी जल जाते हैं, फिर आप खाद डालते हैं, फिर आप और ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, और आप ट्रेडिशनल खाद तो डालते नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल खाद डालते हैं, तो उससे और बायोलॉजिकली आपकी लैंड, आपकी सोयल खराब होती है, सोयल से आपका फूड भी आता है। अभी भटिंडा रीजन जो है पंजाब का, उसमें इतना ज्यादा पॉल्यूटेंट है, मतलब आप इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज है कि वहां पर बहुत ज्यादा बीमारियां, खासतौर से कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। पिछले एक उसी में उन्होंने बताया कि जी पहले आप दूसरी देखिए खेती जो हम करते हैं, अब हरियाणा जैसी जगह में खेती चावल की करने लग गए हैं लोग, कुछ एरिया में चावल को पानी चाहिए, पानी बहुत नीचे चला गया है, पानी, चावल की खेती जब ज्यादा फसल लेंगे तो फर्टिलिटी लैंड की खत्म हो जाती है,
अब उन्होंने वो लैंड छोड़ करके दूसरी जगह लैंड लेकर के फिर वही काम कर लिया, यानी उससे सीखा नहीं लेकिन उसी चीज को, उसी गलती को वो कहीं और जा करके भी दोहरा रहे हैं। तो उससे आपका वाटर लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है, हर जगह वाटर लेवल। मैं जिस एरिया के नजदीक रहती थी वहां पानी इतना ऊपर था कि आप कुआं जो खोदते थे उसमें से सीधा बाल्टी से भर के लोग ले लेते थे पानी, और अब जो है वो पानी काफी नीचे चला गया है। सो इतना सी वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया। और वो कहते हैं कि इंडिया के 89% डेज, ये आपकी पेपर की खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, कि 89% डेज सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी 90 आप कह सकते हैं कि प्रतिशत दिन जितने भी हमारे 365 में है उनमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगी, या तो बहुत धूल भरी आंधी बहुत ज्यादा चलेंगी, या फिर आपकी ठंड बहुत अधिक होगी, या फिर आपका गर्मी बहुत अधिक होगी, यानी कभी कभी तो टेम्परेचर आपका 48 तक चला जाता है। तो ये जो है इसी वजह से, बिकॉज क्लाइमेट हमारा, हमारे वायु में जो ये पोल्यूटेंट की मात्रा है वो बहुत बढ़ गई है। 53% ऑफ इंडियाज गार्बेज इज नॉट ट्रीटेड, यानी जो गार्बेज हम निकाल रहे हैं डोमेस्टिक है या फैक्ट्रियों से है या कहीं का भी गार्बेज है, उसका केवल हम उसका 53% तो अभी भी हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं। इवन गांव की, बिल्कुल प्लास्टिक का बिल्कुल सही कह रही हैं आप, गांव की वो कहते हैं कि पॉल्यूशन से 5.2 साल उनकी उम्र घट रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि अब गांव भी अछूते नहीं रहे हैं। गांव में भी अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गांव में बहुत ज्यादा मात्रा ऐसी है कि वो बहुत साफ है। अब आप देखिए कि चीजें जो हम डालते हैं जमीन में वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर कागज को आप डालते हो तो कह रहे 2 या 4 हफ्ते में वो खत्म हो जाता है, अगर सब्जी का छिलका या कोई है तो वो 3 से 4 सप्ताह में वो भी खत्म हो जाता है, बल्कि जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप दूध के कार्टन जिसमें दूध लाते हैं, पॉलिथीन बैग होते हैं ना, वो जो है वो 25 से 30 साल तक खराब नहीं होते हैं। और एक छोटी सी गलती देखिए क्या करते हैं हम जब दूध को काटते हैं तो उसका जो स्मॉल हिस्सा है वो आप कहीं भी वो चला जाता है, बड़ा हिस्सा को तो शायद हो सकता है कि वो रिसाइकिल में ले ले, लेकिन छोटा हिस्सा वो पानी में जाएगा, वो जमीन में जाएगा, वो नदी में किसी में चला जाएगा, और उससे बहुत सारी फिशेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो दूध के कार्टन 25 से 30 साल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की जो जर्नल है उससे मैंने ये लिया है। टिन जो स्टील के टिन के कैन जो होते हैं वो कहते हैं 50 साल तक वो नहीं डिग्रेड होते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर 50 से 80 साल तक नहीं जाते हैं। एल्युमिनियम के 200 साल तक नहीं खत्म होते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक की बोतलें 400 साल तक खत्म नहीं होती हैं। और ये प्लास्टिक के बहुत माइक्रोन वाले जो थैले हैं ना, जिनका 50 से माइक्रोन है, वो 200 से 1000 साल तक भी कभी कभी वो खत्म नहीं होता है। तो प्लास्टिक तो सबसे डेंजरस है। गवर्नमेंट ने हालांकि प्लास्टिक को बैन भी कर दिया है लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्लास्टिक बैन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी बैन नहीं कर रहे हैं। हम एज एन इंडिविजुअल, सहूलियत है, बैग लेके कौन जाएगा, थैला लेके कौन जाएगा, उससे फिर भी मांगते हैं। सीन वन स्मॉल बॉय प्रमोटिंग प्लास्टिक सेइंग पेपर यूज कॉस्ट कटिंग, वो ये ना इंटरेस्ट है, वो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं कुछ, उन्होंने कहा है कि नेट कार्बन बाय 2070 जीरो कार्बन, कि 2070 तक हम कार्बन का प्रोडक्शन जीरो कर देंगे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कोल को फेज आउट कर देंगे, कोल की जगह हम दूसरे तरह की जो एनर्जी है उसको हम ज्यादा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है लाइक विंड एंड सोलर, उसका हम यूज ज्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा बेटर करेंगे। शोइंग साइंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन वाटर इनसाइड अर्थ, वो तो खैर है ही।
तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें जिसमें क्लीनर एनर्जी का यूज हो, इसी तरीके से अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। अब जैसे गुड़गांव से दिल्ली अगर देखें तो मेट्रो की बहुत अच्छी सुविधा है, और आपको हर ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट में पहुंचेंगे, अगर एक ट्रेन निकल गई तो जब तक आप ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तब तक दूसरी ट्रेन आ जाती है। तो इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कहते हैं हम जगह जगह पर ज्यादा लेकर के आएंगे। सेफ वॉकिंग साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोग जो नजदीक नजदीक जाना जा रहे हैं वो किसी भी तरीके से कार का यूज ना करें। एक आई डोंट रिमेम्बर द कंट्री कि वहां पर अगर कार आपने 1 महीने तक नहीं चलाई तो वो कार को हटा देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आपको कार की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मॉनिटरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का मॉनिटरिंग सिस्टम सही है तो हम अपने आप का थोड़ा ध्यान कर सकते हैं कि अगर इस समय हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है तो हम हवा में उस तरह बाहर ना जाएं, ये भी है। और साथ साथ ये है कि हम अपने अपने आप को कैसे बदलें। अब ये सबसे बड़ा तरीका है कि गवर्नमेंट ने तो काफी कोशिश कर ली कि भाई प्लास्टिक की थिकनेस को अब बढ़ा दिया, क्योंकि जो थिक थैले होते हैं उसको हम फेंकते नहीं है, जो थिक वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने 50 से 75 किया पहले, अब 75 से 120 माइक्रोन कर दिया है 31 दिसंबर 2022 से, कि वो थैले की क्वालिटी जो है थिक होगी। और ये सभी मानते हैं कि जो अच्छे थैले होते हैं, बैग्स होते हैं, उनको हम नहीं फेंकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें बैन कर दी, हालांकि बैन नहीं हुई है, जैसे इवन प्लास्टिक के ईयरबड्स थे वो बैन कर दिए हैं, प्लास्टिक के फ्लैग्स हैं, आइसक्रीम के लिए जो प्लास्टिक के यूज करते थे वो बंद कर दिए हैं, इवन प्लास्टिक के सिरिंजेस भी इन्होंने बंद कर दिए। कितनी बैन हुई है, कितना हम इम्प्लीमेंटेशन पर आए हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी चीजों को बैन किया था, क्योंकि वो कह रहे थे जो सबसे पतली जो थैलियां होती हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, और सबसे ज्यादा कूड़ा उसी से, जो गार्बेज है वो उसी का ज्यादा बनता है, तो उनको उन्होंने बैन करने की कोशिश की है। एक जी सबसे ज्यादा जो है चिप्स, कुरकुरे, इस तरह का जो है वो तो पूरा रेलवे ट्रैक पे, रोड साइड में, फिर क्या तंबाकू गुटखा का जो वो पैकेट्स, वो तो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब वही है कि हम इम्प्लीमेंटेशन पर अभी करने में ना, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली पनिशमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश यही है कि हम क्रिएट कर सके। नॉट ओनली प्लास्टिक कुरकुरे जिसमें आते हैं वो खराब है, इवन कुरकुरे इटसेल्फ इज नॉट गुड, है ना, उसके अंदर का जो मैटर है वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैन नहीं कर पा रहे हैं। तो बैन वही है कि गवर्नमेंट का भी एक है कि एक तरफ से आपको रेवेन्यू आ रहा है, दूसरी तरफ से आपको उस पर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। कभी कभी लगता है कि कंट्राडिक्टरी है, लेकिन यही है कि मैडम हमारा जो एरिया है, कम से कम अपने एरिया में, अब आप देखो बहुत सारे, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विद मी और नॉट, पहले आपके घरों में कोई आता था तो आप कोल्ड ड्रिंक सर्व करते थे, है ना, एंड दैट वॉज ए स्टेटस सिंबल ऑल्सो। लेकिन अब जो है कोल्ड ड्रिंक की जगह जो भी आएगा कहेगा कि नहीं नहीं अच्छा है अगर नींबू पानी मिल जाए तो दैट इज गुड। यस मैम, है ना, सब लोग वही करते हैं मैम, वही करते हैं ना, तो अब वो स्टेटस सिंबल नहीं रहा है, अब आप नींबू पानी पर आ गए। तो लोगों की अवेयरनेस को बदलना जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली कोई एक्शन उतने तरह से नहीं ले सकते हैं। सो इट्स बेटर इफ वी आर एबल टू मेक अवर चिल्ड्रन, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें अगर अवेयरनेस हम बदल दें तो भी आप बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हैं, एंड वन कैन मेक ए डिफरेंस। यानी हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि इवन वन कैन मेक ए डिफरेंस, नहीं तो हम जल्दी क्या सोचते हैं कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, अकेली मैं क्या कर सकती हूँ, तो उससे क्या है कि वो किस कोई भी कुछ नहीं होता। और वो बहुत बड़ी एक छोटी सी कहानी है ना कि किसी ने, कम्युनिटी ने कहा कि भाई सब कल इस तालाब में एक एक लोटा पानी डालना, है ना, और दूसरे जगह भी था कि सब एक लोटा पानी डालना, तो एक कम्युनिटी के लोगों ने सोचा अगर मैं एक अकेला नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो डालेंगे ही ना, और सबने यही सोचा कि मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और किसी ने भी नहीं डाला। दूसरी तरफ सबने
सोचा कोई डाले या ना डाले मैं तो डालू, है ना। तो जब सबने ये सोचा कि मैं तो डालू तो फिर उसमें काफी पानी हो गया। तो बेसिकली ये है कि क्योंकि सब भी तो एक एक करके ही बनते हैं ना, तो अगर हम अपने कंज्यूम करने की प्रवृत्ति ना हम लोगों की बढ़ गई है। जैसे पहले क्या होता था कि पैसे बाग ज्यादा आ गए, जो जैसे कुछ भी सामान लेते थे तो उनके कंटेनर्स होते थे, हम उनको रीयूज करते थे। बट हम क्या करेंगे, वो कंटेनर्स फेंक देंगे, फिर नए प्लास्टिक के कंटेनर्स खरीदेंगे उनको यूज करने के लिए। इसलिए अब देखो मैडम आकांक्षा जी, बेटर होगा कि गवर्नमेंट कम्प्लीटली प्लास्टिक जो थैलियां है उसको बैन ही क्यों नहीं कर दे रहा एकदम कम्प्लीटली। देखिए सौरभ जी, ये ना मेरा बस की बात है ना आपके बस की बात है, इसलिए बस की बात ये कि हम डिमांड को खत्म कर दें तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मान के चलो ना कि सप्लाई तब तक बनी रहेगी। और कहावत है मैम कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। नहीं नहीं तो नहीं, वो भी बात सही है। तो अब ये है कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड को डिफीट करने के लिए वी हैव टू जनरेट अवेयरनेस अमंग आवर स्टूडेंट्स। आकांक्षा जी आपके सवाल का जवाब है कि अब आजकल ना हम प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदते कंटेनर, जो एजुकेटेड है अब हम ग्लास की चीजें खरीदते हैं जिससे कि हम सामान उसमें रख सकें। यस मैम, कि आपने देखा होगा कि नमक चीज को गला देता है ना हर चीज को। लेकिन मैंने, क्योंकि जब तक मैं अवेयर नहीं थी तो मेरे पास भी एक डब्बा था जो प्लास्टिक का था और नमक उसमें सालों साल उसको कोई हार नहीं पहुंचा सका। हो सकता है उसने नमक को हार्म पहुंचाया हो, है ना, नमक ने नहीं। तो अब ये चेंज आ गया है कि बेटर है अब आप शीशे की बॉटलों को एज ए कंटेनर यूज करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि एक तो प्लास्टिक गलता नहीं है, प्लास्टिक के अंदर पुराना पर उसकी फ्यूम्स निकलती हैं, वो हमारी चीजों को खराब कर देती हैं। तो सौरभ जी सप्लाई तो हम कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी आर नॉट इन द इंडस्ट्री, वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने लॉ भी लगा दिया है लेकिन लॉ तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि हम अपना एटीट्यूड जो पॉपुलेशन है वो ना बदले। पर हमारे लिए वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वी हैव यंग स्टूडेंट्स विद अस और उनके माइंड को आप चेंज कर सकते हैं। वो अगर उनके माइंड को चेंज कर देंगे तो सप्लाई कितनी बढ़ाते रहें, डिमांड अगर कम होगी तो उनको सप्लाई जरूर कम करनी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बैन किया है। गवर्नमेंट ने एक ड्यूरिंग वो जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने स्कूलों में किया है, अभी इंस्टीट्यूट आपकी कॉलेज में भी आप कर सकते हैं कि कौन से ऐसे आइटम जो लाइफस्टाइल के हैं जिनको हम बदल सकते हैं और वो उसको हम अपने क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेफ एनवायरनमेंट। अब दूसरा है सेफ एंड होलसम वाटर, कि वाटर बहुत जरूरी है जो कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैडम यहाँ कुछ मैं पूछ सकता हूँ? जी बोलिए, यदि आपके लेक्चर में डिस्टरबेंस ना हो तो। अरे नहीं नहीं अमित जी, मैं लेक्चर मैं आपसे ज्यादा नहीं जानती हूँ। जी बताइए मैडम, मैं तो लर्नर हूँ। नहीं नहीं लर्नर ही है। चलिए जी बताइए मैडम, पहले तो हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा जब हम पहले भी यही चीज यूज करते थे, पेपर का कंटेनर या जो भी हो, नींबू पानी पिलाते थे या मिल्क पिलाते थे या छाछ पिलाते थे, वहां से फिर चाय पर या जो भी आए हम लोग या कोल्ड ड्रिंक पर आए, फिर हम लोग क्यों आए, क्या उन परिस्थितियों पर हमने ध्यान दिया कि हम लोग के लिए सुविधाजनक था। भारत में इतना ज्यादा मास कम्युनिकेशन है, पॉपुलेशन है, सॉरी इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि जो हम लोग बोल रहे हैं ये सबके लिए सुविधाजनक नहीं है कि हम आपको ये प्लास्टिक यूज करना छोड़ दें। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो प्लास्टिक पर डिपेंडेंट है, उनके पास और कुछ साधन नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि हम बैन लगा दें, ठीक है बैन लगा दीजिए, लेकिन उसके विकल्प में सुविधाजनक जो उनके जेब में आएगा, ये नहीं कि उनके लिए एक्स्ट्रा वेजेंट हो। वो मैडम पॉलिथिन जब नहीं थी तब भी तो हम लोग थे, पहले काम करते थे पॉलिथिन के बिना, पॉलिथिन यूज करना पड़ रही है। ऐसा कहा जाता है मैडम कि हम बैलगाड़ी से एयरप्लेन पे आ गए, लेकिन एयरप्लेन से वापस बैलगाड़ी पे जाना मूर्खता होगी, शायद किसी ने किसी थिंकर ने कहा था। नहीं एयरोप्लेन से बैलगाड़ी पर तो नहीं, लेकिन जहां एयरोप्लेन से जाना वहां एयरोप्लेन से जाएं, लेकिन जहां पैदल चल सकते हैं वहां तो हम एरोप्लेन से ना जाएं ना। मतलब ये मेटाफर था कि हम विकास की गति को रोक नहीं सकते। देखिए अमित जी आपकी बात सही है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो दो दो आयाम है, एक आपने लिया कि गरीब तबका है, ठीक है, एक एक तबका, अब आज 50% पॉपुलेशन शहरों में है ना, मान लीजिए आप उस तबके को छोड़ भी दें, 50% पॉपुलेशन शहरों में है और हम शहरों की पॉपुलेशन ये देख रही है कि हमारे यहाँ वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, पर्यावरण में बहुत चेंजेस आ रही है, तो ये 50% तो बदल लें अपने आप को। रही बात गरीब को, गरीब को पता नहीं है, एक गरीब अपने आप को गर्मी में सेकने के लिए बाहर बहुत सारी लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं, लेकिन उसने क्या किया, एक टायर लिया क्योंकि उसको लगा कि सुविधा है, उसमें एक बार आग लगा दी वो जलता रहेगा। मैडम गांव में किसके पास लकड़ी है, लकड़ी कितनी महंगी है आपको पता है, कौन देगा उसको लकड़ी, उसको जलाना उसकी व्यवस्था है, नहीं लकड़ी तो जला ही रहा है वो लकड़ी भी नहीं है, टायर जलाना पड़ता है। अमित जी मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन लोगों की तो अभी बात कर ही नहीं रही हूँ, अभी तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके अंडर है, जो आपके सानिध्य में पढ़ रहे हैं, हम उनको तो बदल दें ना, अगर उनको बदल देंगे तो वो कम्युनिटी में जा करके कोई ना कोई ऐसी नई चीज उनको सिखा देंगे, छोटी चलिए लकड़ी तो चल कोई बात नहीं, लकड़ी तो हम कर ही रहे हैं, गोबर गैस प्लांट तो लगा ही रहे हैं ना आजकल लोग जिनको अवेयरनेस है, खाद की खाद बन रही है, पूरा सिक्किम अब टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ गया है, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई खाद या कोई वो बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम में हम परिवर्तन हो जाएंगे, अब आप देखते हैं जो गरीब है, मैं देखती थी जो गरीब है जो पहले थैली में चाय लाता था, यानी मार्केट से थैली में चाय लाता, अब वो अपने साथ एक बर्तन लेके जाता और उसमें से चाय लेने लग गया, क्योंकि उसने भी टीवी में कहीं ना कहीं सुना होगा कि इस तरीके के प्लास्टिक में पीने से नुकसान होता है, लेकिन हम उनको छोड़ दे जो हमारे उसमें नहीं है, कम से कम उनकी बात तो करें जो हमारे सामने है, जिनको बदला जा सकता है। सरकार के तरफ से जो ई रिक्शा निकाला गया है, पहले रिक्शे चलते थे, अब सरकार ने ई रिक्शा प्रोवाइड करा दी है, तो इससे तो बिजली की खपत भी बढ़ गई है, और जो आप कह रही हैं कि हमें सोचना चाहिए, तो अभी रिक्शा में बैठने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो बैठने के लिए तैयार नहीं है तो वो कोई और साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, है ना। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन, कोई भी चीज 100% ऐसी है कि जिसके सारे के सारे बेनिफिट्स हो, कुछ ही चीजें, जैसे अगर आप पेड़ बहुत सारे लगाओगे तो वो जमीन आप एग्रीकल्चर लैंड के बजाय किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, लेकिन फायदा किस में ज्यादा है। एक वो ई रिक्शा इसलिए चलाया कि वो लेबर बेचारा अपना पसीना बहाता था, कितनी ई रिक्शा होंगी आपके शहर में, शहर में आपके गाड़ियां से ज्यादा तो ई रिक्शा नहीं है ना, गाड़ियों से तो कम ही ई रिक्शा है ना, शहर में तो है, हमारा शहर छोटा है, छोटा भी है तब भी आपकी गाड़ियां ज्यादा होंगी शहर में, आपके छोटे शहर में जो ई रिक्शा पर चलने लायक व्यक्ति है इसका मतलब उसके पास वहां उस शहर में गाड़ियां भी बहुत हैं। तो बेसिक पर्पस यही है कि जितना कम हो सके, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि आप डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट करो लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे शुरू में जिनको सिगरेट छुड़वानी थी तो उन्होंने कहा जी ई सिगरेट है ना, बाद में पता लगा कि ई सिगरेट तो उस सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। तो कभी कभी क्या है कि ये इन्वेंशन करते हैं, ये उसमें शायद उतना नहीं किया। अब देखिए एक और आपको बता दूं, आप ई रिक्शा की बात कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां आ रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन कम होगा, कुछ समय के लिए पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों की बैटरी जब आप फेंकेंगे तो वो पोल्यूशन को लीड करेगा कि नहीं करेगा। यस मैम, वेरी करेक्ट, है ना। yes, उससे yes, पहले yes, हमने ये नहीं सोचा कि हम ई व्हीकल को कर तो रहे हैं, ई वेस्ट कर तो रहे हैं, कंप्यूटर कर तो रहे हैं, हम डेवलपमेंट में रोज नए लैपटॉप निकाल रहे हैं, रोज नए जो है टेलीफोन निकाल रहे हैं, तो ये ई वेस्ट इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो ये बेसिकली ये है कि हम उतना सोच ले जितना हमारे जुरिस्डिक्शन में है, हम अपने बच्चों को कम से कम अवेयर कर दें, और इसलिए सेकंड जो सोर्स है वो है वाटर, और वाटर जो है वो शुद्ध होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि सही पानी वही है जो कलरलेस हो, टेस्टी हो, वाटरलेस। जी प्रश्न मैम,
सारे जो विकास किए जा रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, तो सब विकास तो मानवता के लिए मनुष्य के हित में होने चाहिए, हित में ही किए जाते हैं जी। रश्मि रथी एक खंड काव्य है दिनकर जी का, उसमें भीष्म कर्ण को समझाते हुए कहते हैं कि जब मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। तो जब मनुष्य का नाश ही हो जाएगा, मानवता धीरे धीरे शरण ही हो जाएगा, तो ये सब विकास किसके लिए और क्या होगा। तो ये सारी चीजों में इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए मैम, कि मानवता का ध्यान रखा जाना चाहिए, प्राणियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वही तो है ना, आप प्राणियों का ध्यान, अब ऐसा है ना, प्राणियों का ध्यान कौन रखेगा, जो आपके विद्यार्थी फ्यूचर के जो सिटीजन बनेंगे, फ्यूचर के लीडर बनेंगे, फ्यूचर के इंडस्ट्रीज बनेंगे, तो अगर उनको अवेयर कर देंगे तो आज का लीडर चाहे ना भी करे लेकिन वो जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। और बात भी सही है कि अगर आपका हम उस तरीके से अंधाधुंध लगे रहे तो एक समय आएगा कि सभी पछताएंगे, और जो सांस जो हम ले रहे हैं वो सांस इतना खराब है कि बीमारियां तो बढ़ी रही, एक तरफ लॉन्गिटिविटी बढ़ रही है लेकिन पॉल्यूशन से वो कह रहे हैं कि आपकी लॉन्गिटिविटी फिर कम हो रही है। और इसने COVID-19 ने तो हमें बता ही दिया कि कब क्या हो जाए, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। अब मानव जो है डेवलपमेंट करता है लेकिन बायोलॉजिकल वार अगर शुरू हो गई तो वो डेवलपमेंट का तो नाश ही कर देगा, है ना। तो ये भी सोचने की बात है कि हम एथिक्स पर भी ध्यान दें, और एथिक्स हमारा यही कह रहा है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने यानी जल को भी बचाने का काम करें, क्योंकि सेफ अगर पानी नहीं होगा तो भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और पानी की कितनी मात्रा आप मान के चल सकते हो, कि हमारे आप सब तो जानकार है ही, तो डिस्कशन से ही काम चलाएं, तो कितनी ऐसा है हमारे टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वर्ल्ड ओवर, पीने के योग्य तो 2.5-3% है ना, 4% ना, और इसका भी लगभग 90% भाग ध्रुवों पर है। 3% वाटर है जो यूजेबल ड्रिंकेबल पानी है, और उसका भी more than 2% ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में अभी है, जो कि धीरे धीरे करके पिघलता भी जा रहा है, उससे सी लेवल भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो उस वाटर को भी अगर हम पोल्यूट करते हैं, वो कहते हैं कि more than 1 billion पीपल यानी 8 billion पॉपुलेशन है हमारी इस समय, और 1 billion पॉपुलेशन को अभी भी फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, और कहीं हम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कल मैं टीवी में उनको देख रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था कि कहां से नीचे गंदगी से पानी उठा करके लोग पी रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, है ना। तो वो पानी है नहीं। एक और किसी ने ऐसे वीडियो भेजा था कि बहुत नीचे कुएं का पानी भी चला गया है, तो लोग कुएं में उतर करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके कुएं में उतरते हैं नीचे, और वहां से एक बाल्टी पानी भरते हैं और फिर ऊपर कोई उसको ऊपर खींचता है। तो कितनी स्केसिटी ऑफ वाटर है, और जहां अवेलेबल है उसको हम अननेसेसरली वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का नहीं है, क्योंकि सप्लाई पहले भी आपके पास सारे दिन आती थी, शुरू में जब आपका यहाँ वाटर सिस्टम शुरू हुआ होगा, हमारे यहाँ भी सुबह से शाम आती थी, लेकिन अब जो है पानी लिमिटेड, 1 घंटे आएगा, 2 घंटे आएगा, उसको फिर आप स्टोर करने लग गए, हर घर ने स्टोरेज सिस्टम शुरू कर दिया है, और उस वो पानी भी स्वच्छ पानी नहीं है, उसके लिए हमने आरओ लगा दिए और आरओ का पानी वेस्ट हो रहा है। तो आप आरओ का पानी को यूज करते हैं या फेंक देते हैं? करते हैं मैम। करते हैं, यस। तो आरओ का मतलब करते हैं, हाँ। तो ये भी एक हमारे पर्यावरण को बचाने का ही साधन है कि हम उस पानी को फेंकने के बजाय कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं, जिससे कि एक्सेस वाटर खराब ना हो। इंडिया एक स्टडी की गई थी बाय ग्लोबल हेल्थ सिएटल में, उस स्टडी में पाया गया कि 80% इंडिया का वाटर सीवियरली पॉल्यूटेड है, यानी 30 में से 22 सिटीज पॉल्यूटेड है, और यहाँ आपका 80% पानी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। भारत देश में जो है ना पानी नहीं मिलता है, वो कहते हैं जी नलके का पानी पी सकते हो आप, सेफ है, ड्रिंकेबल है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते, क्योंकि 80% आपका पानी बहुत पहाड़ों में कहीं अगर आप रह रहे हो तो वहां पर हो सकता है कि आप डायरेक्ट पानी पी लो, लेकिन वहां पर नहीं है।
2200 बच्चे प्रतिदिन डायरिया से उनकी डेथ हो रही है, तो बिकॉज ऑफ वाटर डायरल डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये एक ऐसा दिखाते हैं, वो कहते हैं कि विदाउट टाइमली एक्शन 800 million to 3 billion पीपल आर प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रोनिक वाटर स्केयरसिटी, यानी 3 billion तक लोग फ्यूचर में वाटर स्केयरसिटी झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग 2 centigrade बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें कम से कम वेस्ट ना करें, हम ये नहीं करें कि हम यूज ना करें। मैम मेरा एक प्रश्न था। जी सर बताइए। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो वो लोग जो लिटरेट हैं और दूसरा पढ़े लिखे लोग। जी। अब हम किस इसके लिए किसको हम अवेयर कर रहे हैं, लिटरेट को या इलिटरेट को? ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो लिटरेट लोग हैं जो अच्छी जगह बैठे हुए हैं वो बिना पढ़े लिखे लोगों को कैसे इन्वायरमेंट को सेव किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग कम की जाए, इस पे पूरा व्याख्यान होता है। देखा यह गया है कि ये सारे लोग एसी में बैठ करके 5-star होटल में बैठ करके ये सारी बातें करते हैं। तो मुख्य कारण, मुख्य वजह तो ये है कि हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यही गंदगी करते हैं। तो आप जीवन साहब, डॉक्टर जीवन बताओ फिर क्या होना चाहिए? पहले हमें खुद ही संभलना चाहिए सर इसके लिए। एक सही शब्द है मैम, हमको तो लगता है बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, तो सबसे पहले हमें खुद से बदलाव शुरू करना चाहिए। वही जो आपने बताया कि एक लोटा पानी डालना चाहिए, कौन उतार के मैम इसका एग्जांपल मैं दूंगा, बहुत बढ़िया मैम। जी जी बताइए बताइए। एक एग्जांपल मैं दूंगा इसका बहुत बढ़िया जी मैम। ऐसा है, हम किसी स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, वहाँ साफ सुथरा कितना साफ होता है और हम लोग वहाँ बैठते हैं जाके हम लोग ही गंदगी करते हैं। खाना पीना खाएंगे वहीं छोड़ देंगे, वहीं डाल देंगे। ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलत आदत है ना। ये सबसे पहले हम लोगों को ही सुधरना पड़ेगा खुद। सब कुछ साफ है, सब अच्छा है, हम लोग जहाँ बैठते हैं जहाँ चाहेंगे वहीं गंदगी करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा खुद ही सुधार। सर इसके लिए ये कर सकते हैं, जैसे मैं ट्रेवल करती हूँ, मेरे बच्चे हैं बहुत गंदगी फैलाते हैं, तो मैं क्या एक कैरी बैग अलग से रखती हूँ, तो उसमें उनका जो है कचरा रख लेती हूँ कि भाई जो भी उन्होंने किया, और फिर वहां घर जाके जिस भी जगह जा रही हूँ वहां डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। तो अपन अपने साथ एक कैरी बैग ऐसा लेके चले जो की मतलब वेस्ट चीजों को रखने के लिए यूज कर सके। देखिए तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है जो आपको तो सोल्यूशन करना है। आप सबने सोल्यूशन भी दे दिया है, यही तो करना है जो डॉक्टर जीवन ने कहा। भाई बेसिकली क्या है कि वो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी आप अध्यापकों को देख करके बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स आपके कहने से ज्यादा आपको ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, मेरे टीचर का बिहेवियर कैसा है। दूसरा यह है कि हम उनको भाषण की बजाय अगर एक्टिविटी के माध्यम से जब हम उनको दिखाते हैं ना, कहीं कहीं कोई वीडियो दिखाया। अब आपको आज की बात नहीं, मैं मैसूर जो है मेरे 10 साल पहले की बात है, वहां गई थी तो मैंने देखा स्टेशन बड़ा साफ सुथरा था और वॉशरूम की तरफ एक लेडी गई, उसने लाइट जलाई, ऐसा नहीं था कि वॉशरूम की लाइट जली हुई थी, बाहर से उसने लाइट जलाई और फिर मैं भी उसके साथ साथ गई तो लाइट जली, और जैसे ही वो बाहर आ गई और वो मेरे से बाद में बाहर आई तो मैंने देखा आकर के उसने देखा कोई नहीं है तो लाइट ऑफ कर दी। तो ये एक बेसिकली है कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा ये तो इन्होंने कहा पढ़े और अनपढ़ की बात कहा, इवन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की भी प्रॉब्लम है। डेवलप्ड वर्ल्ड ये कह रहा है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए आप गंदगी ज्यादा है, इसलिए एनवायरनमेंट खराब है। हम कहते हैं कि जितना हम कंज्यूम करते हैं आप तो उसका 100% ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक अमेरिकन जितना कंज्यूम करता है, वो सर्दी में उसका पूरा घर कितना भी बड़ा हो वो एसी चलता है,
गर्मी में उसका कितना भी बड़ा घर हो हीटिंग चलता है, उनको गर्मी और सर्दी का मौसम बाहर पता लगता है, अंदर उनका कोई भी पता नहीं लगता है, तो वो भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी अमीर हैं जो कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो भाई हम तो उनकी बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम दूसरों को कहेंगे तो फिर वही मैंने वो बात कही कि हम क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम उनको काफी हद तक कम कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक बात है कि अगर कितना आप कम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से फूड का वेस्टेज को खत्म करने के लिए, या इन टर्म्स ऑफ कि भाई पेड़ हम कितने ज्यादा लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि हम कितना कर सकते हैं उस पर अगर हम बात करें तो ज्यादा बेटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसी पर ही टाइम, क्योंकि टाइम हो गया है, हम क्या कर सकते हैं। मैम पेड़ तो हम लोग बहुत लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन्हें बचाने की होती है। लगा तो हम एक बार उत्साह में आते हैं कि बहुत सारे पौधे लगा दिए, या प्लांटेशन की सरकार की बहुत सारी योजना है, हमेशा ही लगते करोड़ों पेड़ लग जाते हैं, लेकिन समस्या है उसमें जीवित कितने रहते हैं, सेफ कितने। सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आ रही है कि वो सेफ कितने रहते हैं। मैम तो सेफ रखने का भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना हमें। यस मैम, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना ज्यादा पड़ेगा। चलिए अब क्योंकि पॉल्यूशन बहुत तरह का है और क्योंकि समय हो रहा है, तो थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन है, फिर आपका और क्या पॉल्यूशन हो सकता है। वाटर बहुत मैम, उसको प्लीज आप पहले डिस्कस करिए, बहुत सारी बात है उसमें, बहुत जरूरी। तो वाटर में यही है कि भाई हम जो पानी पीते, एक तो देखो बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जिसमें हम बचा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा वाटर बहुत पॉल्यूटेड है। आपकी वो कहते हैं कि 60% आपकी नदियां जो है ना, 70% वाटर बॉडीज इंडिया की पॉल्यूटेड है, और मेजोरिटी इंडियन रिवर्स जो है डेंजरसली पॉल्यूटेड है, गंगा यमुना सरस्वती जो भी आपकी कावेरी, यानी हर गंगा में जिसका पानी, वैसे तो कुदरत ने उसको थोड़ा सा आज भी उसका पानी बहुत सालों तक खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें पॉल्यूशन तो उसमें भी बहुत ज्यादा है ना। और 60% वाटर बॉर्न डिजीजेस इंडिया में रिपोर्ट की गई, यानी हमारे यहाँ डायरिया बहुत ज्यादा होता है ना, डायसेंट्री बहुत ज्यादा आपको की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा होती है उस तरीके से, और क्या क्या बीमारी हो सकती है, वायरल जो आपकी डिजीजेज हैं, टाइफाइड बहुत ज्यादा, मैं तो भुगत चुकी हूँ टाइफाइड, एक महीना पूरा टाइफाइड ने जो परेशान किया, वो भी बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज है। बहुत सारे हुक वॉर्म्स पानी में जो लोग काम करते हैं उसमें है, पानी में सल्फर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारा है कि वाटर पीने लायक नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड इतनी खराब हो गई है क्योंकि उसमें हमने इतना इंसेक्टिसाइड, इतना पेस्टिसाइड उसमें घोल दिया है, वो किसी न किसी तरीके का होता है। एसिड रेन है, क्योंकि जो हवा में गंदगी होगी तो वो आपकी पानी में भी आएगी, तो आपका कारण यही है ना कि एसिड रेन बहुत ज्यादा है, तो पानी से पॉल्यूशन भी आपका हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो की वाटर की वजह से भी हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है, बहुत सारे वायरसेस हैं। और फूड है, फूड का वेस्टेज कितना है। आज ही था कि किसी ने माउथ फ्रेशनर देते हैं ना किसी होटल में रेस्टोरेंट में, वो माउथ फ्रेशनर खाया तो उससे वो सारे बीमार हो गए, पॉइजनस था वो, इन्फेक्शन हो गया सबको। तो फूड का, एक तो फूड का वेस्टेज बहुत है, यानी वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 बिलियन पीपल अंडर नरिश्ड है, लेकिन 2 बिलियन पीपल ओवरवेट भी हैं, है ना, ओवरवेट भी। हमारे इंडिया में ही NFHS-5 ने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, 8% स्टंटेड ग्रोथ है, लेकिन 2% इंक्रीज हो गया ओबेसिटी में। तो ओबेसिटी की वजह से भी तो बहुत सारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो भाव, एक जगह हंगर है, दूसरी जगह ओबेसिटी है, और तीसरी जगह वेस्टेज है, फूड की बहुत ज्यादा वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। हम होटल में जाते हैं पसंद नहीं आता, खास करके हमारे वेस्टेज है, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो वो कहते हैं जो फूड हम वेस्ट कर रहे हैं उस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए 21% फ्रेश वाटर यूज हुआ होगा। जितना फूड इंडिया में हम वेस्ट करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए 21% ये डेटा है।
19% फर्टिलाइजर यूज किया था उस फूड को वेस्ट करने के लिए, 18% क्रॉप लैंड यानी एग्रीकल्चर लैंड यूज हुई थी, और फिर उस गंदगी को भरने के लिए भी 21% लैंडफिल जो जगह है उसको यूज करते हैं। तो अगर हम फूड को वेस्ट ना करें, खास तौर से हमारे त्योहार हमारे फंक्शंस में फूड का बहुत वेस्ट होता है। हम 100 आइटम बनाए हैं, हम सोचते हैं हम 100 के 100 आइटम को टेस्ट करें, 100 आइटम हम टेस्ट नहीं कर सकते, फिर हम भर लेते हैं। बेस्ट टू बी क्लीन एनवायरनमेंट, बिल्कुल छोटा देश है इसलिए वो थोड़ा मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि हमारा कंट्री भी वाइड है, कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, तो इस डाइवर्सिटीज में वो कहते हैं कि एजुकेशन, व्हेन देयर इज नो पिल, एजुकेशन इज द ओनली पिल थ्रू विच वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। यानी जितने लोगों को हम एजुकेट कर देंगे, ऐसे ही आपका सॉइल पॉल्यूशन है कि सॉइल की जो है अल्कलाइटी कितनी है, 5.5 से 7% है तो वो सॉइल बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ 18% ह्यूमन पॉपुलेशन हम है, 15% लाइव स्टॉक वर्ल्ड का हमारे देश में है, लेकिन जमीन हमारे पास सिर्फ 2.4% है। उस 2.4% जमीन का मतलब है कि हमारे पास 328 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, उसमें से 147 मिलियन हेक्टेयर लैंड सॉयल इरोजन, सॉयल डिप्लीशन इस तरीके से जा रही है। तो एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जा रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता जा रहा है और सॉयल इरोजन भी हो रहा है, एसिड रेन है, हैवी मेटल्स जमीन में बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट है, ऑयल स्पिल पानी का जो है वो भी एक तरह से है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वेस्ट डिस्पोजल, डोमेस्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जितने भी बैटरीज हैं वो सारी के सारी कहीं ना कहीं जमीन में ही तो फेंक रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान है। नॉइज पोल्यूशन है हमारे यहाँ, तो यानी इतना बहरा, हम पता है कि आगे गाड़ी लगी हुई है फिर भी हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, है ना, लाउड स्पीकर का यूज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें लाउड स्पीकर, डीजे ना हो तो फिर वो कहते फंक्शन का मजा नहीं आया, तो वो लेकिन अल्टीमेटली तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की सुनने की कैपेसिटी जो है ना अच्छी, मैक्सिमम वो 85 डेसिबल तक सुन, उसको नुकसान नहीं करते हैं, 60 हम नॉर्मल वे से बात करते हैं अगर तेज बात ना करें, लेकिन इससे अबाव जब बात होती है तो डेफिनेटली वो पॉल्यूशन की तरफ ही ले जाता है, और कारण तो बहुत सारे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है आपका, ट्रांसपोर्टेशन है, अगेन आपके हाउस होल्ड चीजें हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन में सबसे पहले अनायंस, यानी हमें क्या होता है कि गुस्सा आता है कि बहुत तेज आवाज है, फिर हमारा हार्मोन में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते चले जाते हैं, अगर रोज आप सुनते रहोगे तो आपको गुस्सा भी आता रहेगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ब्लड कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि गुस्से से तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और डेफनेस तो हो ही जाती है, सारे दिन सुनते हो, ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया में हम रहते हैं, तो ये भी एक कारण है कि कुछ चीजें कम कर सकते हैं ना, जिन चीजों को कहते हैं अगर हम अपनी, अच्छा देखिए एक अभी दिखाई नहीं दे रहे सर कहाँ चले गए, अगर हम अपनी कार को, अगर कहते हैं कि कार को ट्रैफिक लाइट पर या रेलवे क्रॉसिंग पर बंद कर दें, तो हम 22.5 बिलियन किलोवाट एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ये मिनिस्ट्री का डाटा है। अगर हम पानी को टर्निंग ऑफ जब जरूरत नहीं हो तो बंद कर दें, जैसे ब्रश करते हैं ना, एक बार खोल दिया, ब्रश करते रहे, खुला रहा, नहा रहे हैं तो फुहारा चला दिया है, तो हम 9 ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर हम बचा सकते हैं, अगर हम उसको, अगर हम कपड़े का बैग यूज करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, तो कहते 375 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें हैं कि कंपोस्ट, अगर हम फूड को वेस्टेज से बचा लें तो हम बहुत सारी, जो हमारा एरिया है जो लैंडफिल है वो 15 बिलियन टन ऑफ फूड को लैंडफिल में जाने से बचा सकते हैं। तो ये हमारा था कि ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स और एयर और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका साइको सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और साइको सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे कल्चर कैसा है, हमारे फेस्टिवल्स कैसे हैं, हमारा रिलीजन कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सारा का सारा, दिवाली है, होली है आपका, ये नहीं कहते कि हमें अपने त्योहार अपने नहीं मनाने चाहिए,
लेकिन धीरे धीरे उन त्योहारों पर भी आप देखते हैं कि लोग इको फ्रेंडली चीजें यूज करने लगे हैं, पटाखे कम करने शुरू कर दिए हैं। तो ये अवेयरनेस का ही तो पार्ट है कि पहले पटाखे बहुत ज्यादा जलाए जाते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, हालांकि बिल्कुल कम नहीं हुए। तो वो हमारे हाथ में है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं जो हमारे हैं। इसलिए ये कहा गया है कि लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो मिनिस्ट्री ने कुछ चीजें कही हैं कि इनमें से आप किन चीजों को बच्चों के साथ शेयर करिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उन्होंने एनर्जी को सेव करने के लिए कहा है कि यूज एलईडी बल्ब, वो तो हम कर ही सकते हैं ना, 50% लोग तो हम शहरों में ही रहते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर एवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। स्विच ऑफ व्हीकल इंजन एट रेड लाइट एंड रेलवे क्रॉसिंग्स। यूज बाइसिकल फॉर लोकल और शॉर्ट कम्यूट। स्विच ऑफ इरिगेशन पंप जैसे है, कार पूलिंग पर उन्होंने फोकस किया है। फिर इसी तरीके से उन्होंने वाटर पर भी कहा है कि पार्टिसिपेट इन रिचार्ज ऑफ रूरल वाटर बॉडीज, यानी अब जो तालाब है उनको थोड़ा गांव दोबारा से उनको रीजेनरेट करें। एफिशिएंट यूज सेविंग टेक्नोलॉजी लाइक माइक्रो इरिगेशन, खैर ये हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा जो है ना कि वाटर रीयूज वाटर फ्रॉम वॉश वेजिटेबल्स, ये तो हम घरों में कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि भाई सब्जी धोई या कुछ और ऐसे धोया बर्तन जिसमें कि बहुत गंदगी नहीं थी तो उसको रीयूज करें। प्री सोक हैवी पॉट्स एंड पैन्स बिफोर वॉशिंग देम, जैसे आप कुछ घड़ा लेकर के आते हैं तो अगर उसको थोड़ा सा पहले सोक कर ले तो ज्यादा बेटर है, तो बकेट की को यूज करें। तो इस तरीके से इन्होंने अबाउट 20 आइटम्स बताए हैं जो कि हम अपने जीवन में बच्चों के साथ उतार सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक पर भी कहा है कि क्लोथ को यूज करें, कैरी योर ओन वाटर बॉटल वेयर एवर, रीयूज गैस कंटेनर्स, पैकेज प्लास्टिक आइटम्स एज स्टोरेज बॉक्स, तो उनको फेंकने के बजाय स्टोरेज बॉक्स में यूज कर सकते हैं। नॉन प्लास्टिक को फ्रेंडली कटलरी यूज करें, ज्यादा बेटर है। मैडम जी, अमित जी पुनः इंटरवेन करने के लिए माफी चाहता हूँ। जरूर बताइए, कोई माफी की जरूरत नहीं है मैडम। ये देखा अमूमन पाया जाता है कि जितने भी विकसित देश हैं जी उनमें कम पॉल्यूशन है जी, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जो भी है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, और जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या जिसको थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग, वहाँ ज्यादा पॉल्यूशन है। इसका एक कारण बताया जाता है कि जितने डेवलप्ड कंट्री हैं अपना सारा का सारा फैक्ट्री जो उत्सर्जित करता है प्रदूषण उसको वो थर्ड वर्ल्ड में दे देते हैं या डंप कर देते हैं जो उनका खराब प्रोडक्ट रहता है। तो मैडम ये तो एक ग्लोबल इश्यू है, एक हमारे देश से तो नहीं होगा। दूसरी बात मैडम, एक होता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद को चाहिए कि मार्केट में सामान बिकना चाहिए क्योंकि उससे रोजगार क्रिएट होता है। हम पूंजीवाद के वैसे ही बुराई नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों को रोजगार देता है। अब मनुष्य यदि साल में 6 जोड़े कपड़े नहीं पहने, नहीं खरीदे, तो कितने लोगों की रोजगार चली जाएगी, बहुत लोगों की। यदि वो कपड़े बने तो फैक्ट्री में काम होगा, फैक्ट्री में काम होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो ये बैलेंस कैसे होगा मैडम? देखिए अमित जी, आप जो बात कर रहे हैं ना उसमें यही है कि लॉन्ग टर्म में हमें कुछ ऐसे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, यानी 6 जोड़े कपड़े, क्योंकि वो जो नौकरी करता है, आपने कहा ना गरीब आदमी, जैसे बीड़ी के रोजगार में भी यही एक केस आता है कि अगर बीड़ी बनाने को बंद कर दिया जाए तो बीड़ी में लाखों लोग जो लगे हुए वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से रोजी रोटी खाएंगे। तो उससे पहले, बंद करने से पहले हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है जो कि मैक्रो लेवल पर होने की जरूरत है। लेकिन वेस्टेज करने से तो कोई फायदा नहीं ना। हम जैसे अब आप देखिए फूड को वेस्ट कर रहे हो, आप कहोगे जी फूड वेस्ट होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना, ये कहना चाह रहे हो भाई। कुछ चीजों में तो ठीक है कि कपड़े 6 जोड़े नहीं पहने, चलो ठीक है, लेकिन वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ फूड, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वो तो आप बचत कर सकते हैं ना। साइकिल पे चलेंगे तो आपकी अपनी सेहत भी ठीक रहेगी, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा कार खरीद ली तो मुझे पेट्रोल यूज ही करना है, पेट्रोल तो लिमिटेड है अब धीरे धीरे, वो तो कह रहे हैं पेट्रोल का। तो जिन चीजों को आप बचा सकते हो उनकी तरफ तो ध्यान दो,
सिर्फ छह जोड़ी कपड़ा से तो बात नहीं बनेगी ना, हमारी ओवर कंज्यूम, उदाहरण की मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे कार का पेट्रोल अगर आप कम यूज कर लेंगे तो उससे कार के रोजगार पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको करके देखने में ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर ये कर लेंगे, फूड को अगर हम फेंक देंगे तो उससे रोजगार बना रहेगा। ओवर प्रोडक्शन भी एक कैपिटलिज्म में भी है, अब कैपिटलिज्म में सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी तो है ना, कैपिटलिज्म के साथ फूड का जो है, मैं बताता हूँ कि भारत में जितना उत्पादन होता है उससे डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, वो भी है। वो ये नहीं है कि लोगों के पास भोजन उपलब्ध नहीं हो सकता, ये डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, जस्टिस की समस्या है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी तो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एक्शन है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे इनइक्वालिटी है, आपकी जो इनइक्वालिटी है, अब आपके पास छह जोड़ी और मेरे पास दस जोड़ी है, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति जिसके पास एक जोड़ी भी नहीं है ना, एक दो जोड़ी से आप मजदूर देखते हैं, रोज वही पहनता है, रोज वही पहनता है। तो इसलिए कैपिटलिज्म में भी ये कहा गया है कि इंडिया जैसे है कि कैपिटलिज्म में भी मिक्स्ड इकोनॉमी ली ना हमने, इसलिए कि हम भाई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स लेंगे कि लोगों के लिए भी काम करेंगे, हालांकि धीरे धीरे तो हम कैपिटलिज्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं, वहां पर प्रॉफिट इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है कि लोग चाहे जाए भूखे मरे पर मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है। तो बेसिकली यही है कि हर लेवल पर, और अमित जी मेरा फिर वही घूम फिर के सवाल है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे जो हमारे सामने हैं, उनको भी सही मायने में कैपिटलिज्म का मतलब यही नहीं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैपिटलिज्म में भी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन करो तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करोगे तब भी आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाता है, पर वेस्टेज नहीं करो। अब हमारे यहाँ सिर्फ स्टोरेज की जरूरत प्रॉब्लम है, आपका बहुत सारा अनाज रेलवे स्टेशन पर सड़ जाता है और फिर उस अनाज को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में गरीब लोगों को, तो वो मैनेजमेंट की भी तो इशू है ना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। पॉजिटिव आस्पेक्ट को देख करके अगर कुछ एक्शन कर सकते हैं, मैं अपने से ही शुरू कर लूं, और बहुत पर होता है जब आप बार बार इन चीजों को करोगे ना तो आपको घर में चलता हुआ नल का बहुत दर्द करता है, आपके हेड पे वो जाके बैन करता है, और आप उठ करके चाहे कितना ही काम कर रहे हो आप जा करके उसको बंद करते हैं। बल्कि एक बहुत अच्छा किसी ने वीडियो भेजा था कि नल का चल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे और कोई बंद नहीं कर रहा था, एक मंकी आया और उसने आकर के उस टैप को बंद कर दिया। तो बेसिकली ये है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव कंजम्पशन, हम खूब बढ़िया खाना खा लेंगे तो वो हमारी सेहत को भी तो खराब करेगा ना, एक्सेसिव यूज में भी अगर बहुत सारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हमारे कपड़े बहुत ज्यादा ना बिके तो कोई और इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, अब तो रोज इनोवेशन हो रही है ना, नई नई तकनीक आ रही है, तो सिंपल लिविंग भी ना हो लेकिन वेस्टेज ना हो, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और क्योंकि हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम काम करें, और मेरे ख्याल में टाइम आपका हो गया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, इन्फॉर्मेटिव सेशन मैम, चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड हैव अ गुड, सभी का दिन बहुत शुभ हो, सभी के साल भी बहुत शुभ हो, और आप बहुत लोग मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू, कहाँ निखिल सर, जी सर, अरे एक ही समय सवाल पूछ पाता हूँ उसमें भी आप, I'm sorry सर, 12:29 हो गया था सर, I'm so sorry, सुबह वाला आप लोग को छोड़ देता हूँ, सुबह वाले में आप लोग पूछिए नहीं तो पूछिए, लेकिन 12:29 मत पूछिए जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा था निखिल जी, सुबह वाला सवाल यही था क्या, सुबह में थोड़ी थोड़ी देर सेशन आउट कर दिया जाएगा, उन्होंने को दिख नहीं रहे हो, अमित जी के पास क्या ये कहना चाहते हो, केवल एक ही सवाल है,
नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे रोहित सर कुछ पूछ रहे हैं। रोहित सर सुबह कहाँ चले गए थे? बहुत कम ही खा रहे थे आप। रोहित सर सुबह कहाँ चले गए थे? निखिल सर ये पुरुषोत्तम अग्रवाल वाले आए नहीं? आए, वो वही शायरी सुना रहे हैं आज। वही नहीं है, उनको खुश कर देंगे आज। ये अच्छा ये बताइए, ये एमसीक्यू टेस्ट जो होगा तो कंफर्म डेट कंफर्म है कि 11 एएम से होगा? हाँ 20 नंबर का होगा मात्र। तो 11 बजे से होगा कंफर्म है? हाँ जो शेड्यूल है अभी तक तो कंफर्म है, कोई और रिकॉर्डेड लेक्चर ना हो जाए ना जी। डेट को है वो महमूद सर लौटा है। कहाँ के मजहर सर नहीं आ रहे? 9-10 लिखा है तो इसमें जो शेड्यूल आया था स्टार्टिंग में। अच्छा 9-10 लिखा है, सॉरी तो मैं गलत बता रहा हूँ। 7 को लिखा है, 7 को 9-10 लिखा है। डेट क्या है? जी जी हाँ सॉरी 7 को है लेकिन वही पहला सेशन होगा। लेक्चर भी तो एक महीने ही चल रहा है सर, आज वाला लेक्चर जो हुआ है वो कल होना था सर। हाँ ये सब चलता रहता है, चेंज भी हो सकता है, टेंटेटिव भी है, बट अभी लिखा तो यही है। लिंक के हिसाब से जाएगा तो आएगा। तो मजहर सर नहीं आएंगे हम लोग के सामने क्या? ऐसा क्या तैयारी भी आ रहा है? 300 लोगों का जरूर आएंगे। सब लोगों ने आर्टिकल लिख लिया क्या? अच्छा आप आर्टिकल लिख रहे थे रोहित सर? तो रोहित सर का पता नहीं चला बिल्कुल, आप नहीं की चर्चा हो रही रोहित सर। वो ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर, ऑनलाइन नहीं टेस्ट की जीरो तैयारी मेरी, मोस्ट लाइकली फेल हो जाऊंगा मैं। ऐसा कहते हैं टॉपर्स, ऐसा ही कहते हैं बचपन से सुनते रहे हम। सर आपको बहुत याद किया जा रहा है, इसके लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला। रोहित सर आपको बहुत याद किया जा रहा है, आपको बहुत याद किया जा रहा है। रोहित सर को और अमित सर को याद किया जा रहा था। रोहित सर और अमित सर को याद किया जा रहा है, तो यही पे हूं बाहर थोड़ी गया। जिनको भी आंसर का पता चले वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज, बाकियों का भी काम हो जाए। चलिए तो सर आगे दीजिए, फिनिशिंग टच दे देता हूँ मैं, अपलोड करना आर्टिकल मुझे। नहीं किस पे लिखा था आधा सर आर्टिकल अगर लिखा है तो 1000 वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो भी है उसमें मेन कंटेंट सिग्निफिकेंस आ जाए कुछ काम का या कुछ। आपने किस टॉपिक पे लिखा है? मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा आप इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, राइट? इंडियन नॉलेज सिस्टम में कुछ स्पेसिफाई किए हैं रोहित सर? हाँ स्पेसिफाई तो किया है मैंने। किस पर सिलेक्ट, क्योंकि मैं भी उसी पर वर्क कर रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम टोटल मिला के 5 एग्जांपल्स दिए हैं और एक एग्जांपल ये है कि जो आर्किटेक्चर इंडियन टेम्पल का वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी फ्यूजन है जिसमें ज्योमेट्री का भी नॉलेज चाहिए, जियोलॉजी का नॉलेज चाहिए, जियोफिजिक्स का भी नॉलेज चाहिए, फ्रैक्टल का भी नॉलेज चाहिए। ये एक एग्जांपल मैंने बताया। दूसरा बताया ये कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और एस्ट्रोलॉजी का भी सर आइए। हाँ वो 5वीं शताब्दी तक आर्यभट्ट ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाला था वो पहले मिनट तक एक्यूरेट था, 9वीं शताब्दी में वातेश्वर आने के बाद वो दूसरे मिनट तक एक्यूरेट हो गया और 14वीं शताब्दी तक वो 8वें डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट हो गया। और ये पूरा का पूरा जर्नी 1000 लगा इसमें। अभी सर आप भी उसके लिख रहे हो क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे? मैंने लिख दिया उसे तो। हाँ मैं भी लिख रहा हूँ। अरे वो फिर तो लेकिन मेरा वो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा इंडियन नॉलेज सिस्टम में कितना फास्ट है, क्या उसमें इंक्लूड किया जाए रिसर्च डेवलपमेंट को, थोड़ा सा हम उसको समराइज कर सकते हैं? नहीं मैंने जानबूझ के इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि दिस इज अ हार्ड थिंग टू राइट ऑन। स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से, इंडियन नॉलेज सिस्टम इतना विशाल है कि अपने सब्जेक्ट से किसी टॉपिक से इसको स्पेसिफाई करके उसको सीमित कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स में कर दे, लेकिन काफी इलैबोरेटिव है वो। हाँ भाई काफी इलैबोरेटिव है। कल करीब मेरा 2500 शब्दों का हो गया था तो जितना लिखने में टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा उसे छोटा करने में टाइम लगा मुझे। अब जाके करीब एक घंटा ज्यादा टाइम लगा, लिखते लिखते पता नहीं चला मैंने भी लिखे थे 1800 शब्द हो गया तो उसको ऐसे ही कुछ कट करना पड़ा। अमित सर कैमरा ऑन कीजिए, आप कैमरे में अच्छे लगते हो। अच्छा अच्छा सर करता हूँ कर दिया सर। ये हुई बात सर जी।
क्योंकि मैं आपको कैमरे में ज्यादा देखता हूँ। रोहित सर आजीवन सर आप लोगों को स्पेशल रिफ्रेशमेंट मिलता है एएमयू से? ये अली तरफ से सर स्वयं फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अमित पास में ही है ना एएमयू तो हमारे? अच्छा पास में ही है तो पहले ले आते हैं ना तो पूरा मेरे से वही चलता रहता है। हाँ और क्या तो अच्छा, ये कह रहा था कल से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि रेफरेंस देना है कि नहीं देना है। मुझे लग रहा है रेफरेंस की कहीं आवश्यकता तो नहीं है उसमें। ये नहीं सर रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। सॉरी रिसर्च पेपर तो लिख नहीं रहे हैं जो रेफरेंस देना है। नहीं कुछ पॉइंट्स मेरे इतने ओरिजिनल हैं कि इसमें रेफरेंस देने की जरूरत भी नहीं है। हां और दूसरी बात ये रेफरेंस देना है उसका मतलब है कि हम लोग अपने आप को अथॉरिटी नहीं मानते हैं। अगर कोई चीज आप कहीं से उठाए हैं तो रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। वो तो रिसर्च पेपर में ना सर, हर जगह क्रेडिट चाहिए। आप रेफरेंस में कोई अपना एपीए या कोई स्पेशल तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रेफरेंस देंगे तो थोड़ी वैलिडिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा थोड़ा सा। पर ये तो ऐसे है। अच्छा